देश को झकझोर देने वाले निर्भया कांड को 7 साल पूरे हो चुके हैं। 16 दिसंबर 2012 की वो सर्द रात जब भी याद आती है तो रूह कांप जाती है। इस भयानक हादसे के बाद देश भर में महिला सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन हुए, जगह जगह कैंडल मार्च निकाले गए, लेकिन निर्भया की माँ आज भी इंसाफ के लिए अदालत के चक्कर काट रही है और देश में ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। 7 साल बीत चुके हैं लेकिन हालात आज भी वही के वही हैं। हाल ही में हैदराबाद और उन्नाव से भी हैवानियत की ऐसी ही घटनाएं सामने आईं। हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ 4 दरिंदों ने पहले सामूहिक दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। 29 नवंबर को पीड़िता का अधजला शव हाईवे के किनारे मिला था। इस घटना के 4 मुख्य आरोपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में मारे गए। साइबराबाद कमिश्नर ने बताया कि पुलिस सभी आरोपियों को NH-44 पर सीन ऑफ क्राइम में रिकंस्ट्रक्शन के लिए लेकर वहां गई थी। इसी दौरान आरोपियों ने भागने की कोशिश की और मारे गए। ऐसा ही एक मामला यूपी के उन्नाव से भी सामने आया। यहां जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आरोपियों ने पीड़िता को जिंदा जला दिया। करीब 90% जल चुकी पीड़िता का लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इलाज हुआ लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। ऐसा ही एक और मामला यूपी के फतेहपुर से सामने आया है। यहाँ शनिवार की दोपहर में 18 साल की लड़की के साथ उसके रिश्ते के चाचा ने घर में घुसकर पहले दुष्कर्म किया, फिर केरोसिन तेल छिड़क कर उसको आग के हवाले कर दिया। 90% जल चुकी लड़की को कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साल 2012 में दुष्कर्म के 706 मामले दर्ज किए गए। 2014 में इनमें 3 गुना इजाफा हुआ और आंकड़ा 2166 पहुंच गया। 2015 में भी दुष्कर्म के 2199 मामले दर्ज हुए। साल दर साल दुष्कर्म के मामलों में इजाफा हो रहा है। महिला संबंधी अन्य अपराधों में भी 50% से ज्यादा का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 2012 में ऐसे 208 मामले दर्ज हुए थे जो 2015 में बढ़कर 1492 हो गए। निर्भया कांड के बाद पुलिस और सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में GPS लगाने और उन पर नजर रखने की बात अगस्त 2014 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कही गई थी। हालांकि ये अब तक पूरा नहीं हुआ है। निर्भया कांड के बाद महिला हेल्पलाइन में पेशेवर काउंसलर्स की भर्ती के लिए 6.2 करोड़ का बजट आरक्षित किया गया था। इसमें अब तक खास प्रगति नहीं हुई है। देश में एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि निर्भया कांड के बाद क्या बदलाव हुए। देश भर को झकझोर कर रख देने वाले निर्भया केस में 3 फरवरी 2013 को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया। इसके तहत IPC की धारा 181 और 182 में बदलाव किए गए। दुष्कर्म से जुड़े नियमों को और कड़ा किया गया। रेप करने वालों को फांसी की सजा भी मिल सके इसका प्रावधान किया गया। 22 दिसंबर 2015 को राज्यसभा में जुवेनाइल जस्टिस बिल पास हुआ। इसके तहत 16 साल या उससे अधिक उम्र के बालक को जघन्य अपराध करने पर एक वयस्क मानकर मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया। इसके अलावा बलात्कार से हुई मृत्यु, गैंगरेप और एसिड अटैक जैसे महिलाओं के साथ होने वाले अपराध जघन्य अपराध की श्रेणी में लाए गए। महिलाओं के खिलाफ वो सभी कानूनी अपराध जिसमें 7 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है जघन्य अपराधों की श्रेणी में शामिल किए गए। HS न्यूज के लिए राज मिश्रा की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।